बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेल टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 5। और इससे पहले हम यूनिट नंबर 5 के जो है वो तीन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नेंस सिस्टम को डिस्कस किया था, और दूसरी वीडियो के अंदर हम ऑर्गन्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनका क्या काम है। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है उसका काम क्या है, और उसको हमने उसके जो फंक्शंस हैं कि उसमें जो कवानीन बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, इस चीज को हमने डिस्कस किया था। इन टूडेज वीडियोस we are going to discuss the composition of the federal legislature of Pakistan, ke Pakistan ka jo federal legislature hai uski composition kya hai। to jaisa ki kal humne discuss kiya tha ki jo Pakistan ki legislative organ hai, Pakistan ki legislative organ ko hum parliament kehte hain। aur humne ye cheez bhi dekhi ki jo Pakistan ki parliament hai वो बाइकैमरल पार्लियामेंट है। वो क्या है? बाइकैमरल पार्लियामेंट है, मतलब कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं। और वो दो हाउसेस कौन से हैं? एक हाउस है नेशनल असेंबली और दूसरा हाउस आपके पास आ जाता है सेनेट। नेशनल असेंबली को लोअर हाउस भी कहा जाता है और सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है। अब आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि नेशनल असेंबली और सेनेट इनकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब कि इनके अंदर जो लोग होते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं, वो कौन होते हैं, कहां से आते हैं, किस तरह इलेक्ट होके आते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल असेंबली की कंपोजिशन की बात करें अगर हम, तो नेशनल असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 336 है। आपकी बुक में जो नंबर दिया गया है वो है 342, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स की गई और उसके बाद अब आपकी नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 336 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इन 336 मेंबर्स में से 266 मेंबर्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इस बात का क्या मतलब है? आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? 336, लेकिन उसमें से 266 इलेक्ट होके आते हैं। मतलब कि आपके यहां पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह अभी फरवरी लास्ट मंथ में हुआ था हमारे पास जनरल इलेक्शन, इस तरह हर 5 साल में क्या होते हैं? जनरल इलेक्शंस होते हैं। उन जनरल इलेक्शंस में हर, अभी हमारे पास जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें क्या था कि हर पाकिस्तानी सिटीजन हु वाज 18 इयर्स ओल्ड, जो 18 साल जिसकी उम्र थी और वो पाकिस्तानी सिटीजन था, तो ही वाज एबल टू कास्ट हिज वोट। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब भी यही है कि वो इलेक्शन का प्रोसेस जिसमें हर 18 साल का एडल्ट जो हो वो वोट देने के काबिल हो, एलिजिबल हो, इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो जो 336 मेंबर्स हैं उसमें से 266 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है इलेक्शंस के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 266 में से, बाकी जो रिमेनिंग बचे कितने? 70। टोटल कितने हैं? 336, उसमें से इलेक्ट कितने होते हैं इलेक्शंस के थ्रू? 266। बाकी जो 70 नंबर मेंबर्स हैं उनका क्या होता है? उसमें से 60 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे मुल्क में या फिर हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है? पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, मतलब के जो मेल है उस वो ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इलेक्शंस होते हैं तो उसमें आप ज्यादातर पॉलिटिशियंस कौन देखते हैं? ज्यादातर मेल होते हैं, और अगर विमेन उनको कॉम्पीट करती हैं तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो मेल जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया कि विमेन भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं,
तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई मेंबर नेशनल असेंबली में चाहिए। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि 60 सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी किनके लिए, विमेन के लिए, कि भाई ये जो 266 हैं ये तो इलेक्ट होके आएंगे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हमने उसके अलावा भी 60 सीट्स रिजर्व कर दी किसके लिए, विमेन के लिए, ताकि उनको भी हमारी नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिल सके। उसके अलावा 10 सीट्स हमने रिजर्व कर दी किनके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। अब माइनॉरिटीज क्या है, माइनॉरिटीज किसी भी मुल्क के अंदर वो लोग होते हैं जो तादाद में कम हो, ठीक है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अगर हम एग्जांपल लें तो अगर रिलीजियस हवाले से हम बात करें तो मुसलमान 95-97% हमारे मुल्क में क्या है, मुसलमान है, और बाकी 3% हमारे पास हिंदू, क्रिश्चियन या फिर सिख और दूसरे रिलीजन के जो है वो लोग हैं। तो अब जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी है, अगर इलेक्शंस होंगे और एक जगह पर हम हिंदू क्रिश्चियन या अगर किसी और को कम्पीट कर रहे हैं और दूसरी जगह से मुसलमान हो, तो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो क्या लेगा, ज्यादा वोट लेगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई जो माइनॉरिटीज हैं हमारे मुल्क में उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसलिए हमने 10 सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी किनके लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। एक दफा अगर फिर रिकैप ले लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है नेशनल असेंबली के अंदर, 336, उसमें से 266 आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होके आते हैं। उसके अलावा 60 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं विमेन के लिए, और उसके अलावा 10 सीट्स क्या है, रिजर्व्ड हैं किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। सो आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद ये जो मेंबर्स हैं ये कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं, तो हर पाकिस्तानी सिटीजन जिसकी एज 25 ईयर्स हो तो वो नेशनल असेंबली में मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है। एवरी पाकिस्तानी सिटीजन हु इज 25 ईयर्स ओल्ड कैन बिकम द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, ठीक है। उसके अलावा नेशनल असेंबली का जो टर्म होता है, टाइम पीरियड, मतलब जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, दे आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अब हमने ये भी देख लिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ सीट 336 है, हमने ये भी देख लिया कि उसमें से जो डायरेक्ट इलेक्ट होते आते हैं वो 266 हैं, हमने ये भी देख लिया कि जो 60 सीट्स है वुमेन के लिए है, 10 सीट्स माइनॉरिटीज के लिए है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं, तो अब ये सीट्स किस प्रोविंस को कितनी दी जाती हैं, ये एक बात जो है वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीट्स हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चारों प्रोविंसेस में डिवाइड की गई हैं। फॉर इंस्टेंस अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है 336 है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमने पूरे मुल्क को 336 रीजन्स में क्या किया, डिमार्केट किया, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एक रीजन बनाया, कितने रीजन्स में डिवाइड किया 336 में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और हमने ये कोशिश की कि हर एक एरिया में एक एक नंबर ऑफ जो है पीपल को जो है इक्वल नंबर ऑफ पीपल की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए, और फिर हमने इक्वल नंबर ऑफ पोर्शन में जो है पूरे कंट्री को डिवाइड किया, कितने हिस्सों में 336 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हमने इसी तरह जो 336 हैं वो सीट्स जो हैं वो डिवाइड कर दी। और दूसरा हमने ये बात भी ख्याल इस बात का भी ख्याल किया कि जिस प्रोविंस के पास ज्यादा पॉपुलेशन है उस प्रोविंस से ज्यादा मेंबर्स नेशनल असेंबली में आएंगे, जिस तरह हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है, तो नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके होंगे, पंजाब के होंगे। दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन में कौन से सबसे बड़ा प्रोविंस है, सिंध है, तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मेंबर्स किस प्रोविंस में से होंगे, सिंध में से होंगे। तो इसी तरह हमने इन 336 मेंबर्स को अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन पूरी कंट्री के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब नेशनल असेंबली बन भी गई, मेंबर्स भी आ गए, लेकिन उस नेशनल असेंबली के अंदर
उसके कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, चलाते हैं, सदारत करते हैं। वो कौन होते हैं? उनका काम ये होता है कि वो नेशनल असेंबली में देखें कि कब कौन सा कानून पास होना है। वो नेशनल असेंबली में देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, और किस मेंबर को कब बात करनी है, कौन सा लॉ कब प्रेजेंट किया जाना है, इसका सेशन कब होगा, नेशनल असेंबली की मीटिंग या सेशन कब होगा। तो इसके लिए हम उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, नेशनल असेंबली अपने मेंबर्स में से ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुंतखब करती है। एक होता है स्पीकर, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है नेशनल असेंबली का, इसका काम होता है नेशनल असेंबली को चलाना। और उसके बाद अगर स्पीकर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट किया जाता है नेशनल असेंबली में से ही, जो है वो उसे मुंतखब किया जाता है, ताकि अगर स्पीकर कभी मौजूद ना हो तो डिप्टी स्पीकर जो है वो नेशनल असेंबली के सेशंस को जो है वो चला सके। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स बनती हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स के थ्रू ही गवर्नमेंट्स बनती हैं। हम क्या करते हैं, जब वोट देते हैं तो हम नेशनल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। अब वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली के मेंबर्स में से ही एक हमारे मुल्क का क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड फ्रॉम द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और इसे लीडर ऑफ नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जब मुंतखब हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, वो अपनी एक कैबिनेट बनाता है। कैबिनेट का मतलब वो अपनी काबीना बनाता है, वो कुछ लोग मुंतखब करता है जो उसके साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर सारे इंतजाम को अकेले नहीं देख सकता, तो इसलिए वो मिनिस्टर्स को इलेक्ट करता है। जिस तरह हेल्थ मिनिस्टर उसने मुंतखब किया, उसे कहा कि भाई तुम हेल्थ के डिपार्टमेंट को देखो, वो अंडर प्राइम मिनिस्टर के होगा लेकिन देखेगा पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को वो, और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। इसी तरह एजुकेशन मिनिस्टर, इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये जो कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की, इसके लिए भी ये लाजमी है कि वो 3/4 ऑफ कैबिनेट जो है वो नेशनल असेंबली से इलेक्ट की जाए। कितनी कैबिनेट, 3/4 ऑफ द कैबिनेट इज इलेक्टेड फ्रॉम द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पाकिस्तान ये हमारा जो मुल्क है उसके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका है, उनके ऊपर भी पूरा कंट्रोल किसका है, नेशनल असेंबली का। जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं हमारे मुल्क में, अगर कोई बजट बनता है तो वो भी नेशनल असेंबली से पास होना जरूरी है। हमारे मुल्क में अगर कोई नया टैक्स लगता है तो उसका भी नेशनल असेंबली से पास होना जरूरी है। तो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, नेशनल असेंबली कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपकी बुक में दी गई हैं, और मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इन चीजों को जो है वो डिस्कस किया है। अब आखिरी बात में जो आखिर में बताऊं वो ये है कि पहले मैंने बताया कि नेशनल असेंबली का जो टर्म पीरियड होता है वो कितने होता है, 5 years होता है। मतलब 5 सालों के लिए नेशनल असेंबली जो है वो चलती है, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं और दोबारा नई असेंबली आ जाती है। लेकिन इन 5 सालों में अगर प्रेसिडेंट हमारा, जो हमारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे 5 सालों से पहले, अगर इलेक्शंस होते हैं और एक महीने या दो महीने बाद भाई प्रेसिडेंट उस असेंबली को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, वो किसकी एडवाइस पे करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहता है कि भाई नेशनल असेंबली को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहे कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दो तो नेशनल असेंबली बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है, और उसके बाद 90 दिनों के अंदर, इन 90 डेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमने इलेक्शंस करवाने हैं दोबारा नेशनल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है हमारे नेशनल असेंबली का टर्म है 5 years, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे कि तुम नेशनल असेंबली को क्या करो, डिसॉल्व कर दो, तो प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, और इस सूरत में 90 डेज के अंदर दोबारा इंतखाबात होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है,
आई होप इट्स क्लियर, और आपके जो है वो इसके हवाले से जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेनेट की कंपोजिशन की, मतलब सेनेट में कितने मेंबर्स हैं, उसके कितने पावर्स हैं, उसको कौन चलाता है, उसका टर्म पीरियड कितना है। तो जो सेनेट है उसे अपर हाउस भी कहा जाता है, और सेनेट सेनेट जिस तरह नेशनल असेंबली में आप जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते थे वो कहां से आते थे, इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होके आते थे, लेकिन सेनेट में इस तरह नहीं है। जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे उनको कहा जाता था कि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। लेकिन सेनेट की अगर बात की जाए तो सेनेट को कहा जाता है कि ये जो प्रोविंसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि जो प्रोविंसेस होते हैं, लोग नहीं लेकिन जो प्रोविंसेस की असेंबलीज होती हैं, हर प्रोविंस की अलग अलग से अपनी असेंबली होती है, जिस तरह सिंध असेंबली होती है, पंजाब असेंबली होती है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली होती है, बलूचिस्तान असेंबली होती है, उसके मेंबर्स और नेशनल असेंबली के मेंबर्स मिलके जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिस तरह नेशनल असेंबली में नेशनल असेंबली के मेंबर्स कहां से इलेक्ट होके आते थे, इलेक्शन के थ्रू, लेकिन सेनेट में क्या होता है कि सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रोविंशियल असेंबली, हर सूबे में एक असेंबली होती है, उसके मेंबर्स और नेशनल असेंबली के मेंबर्स मिलके सेनेट के मेंबर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इसे कहा जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स प्रोविंसेस नॉट द पीपल, ठीक है। लोगों को कौन रिप्रेजेंट करता है, नेशनल असेंबली, और प्रोविंसेस को कौन रिप्रेजेंट करता है, सेनेट रिप्रेजेंट करता है। और जिस तरह हमने देखा कि नेशनल असेंबली के अंदर जो सीट्स थी वो डिवाइड की गई थी बिटवीन प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, मतलब कि जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज्यादा उस प्रोविंस के पास ज्यादा सीट्स थी। लेकिन सेनेट में क्या है कि जो सीट्स हैं उनको इक्वली डिवाइड किया गया है सब प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। आपके बुक में ये बात नहीं दी गई है लेकिन मैं मेंशन कर दूं कि सेनेट के अभी 100 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 100। तो इन 100 मेंबर्स को प्रोविंसेस के दरमियान इक्वली डिवाइड किया गया है, और कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जिसकी एज 30 ईयर्स हो वो एलिजिबल है मेंबर बनने के लिए सेनेट का। नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड थी, दैट वाज 25, एंड टू बिकम द मेंबर ऑफ सेनेट एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु इज 30 इयर्स ओल्ड कैन बिकम दिस जो है मेंबर ऑफ सेनेट, ओके। जिस तरह नेशनल असेंबली को प्रिजाइड करने के लिए हमारे 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 पास कुछ लोग थे, एक स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर, जो उस नेशनल असेंबली को चलाते थे, इसी तरह सेनेट को प्रिजाइड करने के लिए भी हमारे पास दो लोग होते हैं, एक चेयरमैन और दूसरा वाइस चेयरमैन। ये सेनेट के मेंबर्स में से ही इनको मुंतखब किया जाता है, और अगर चेयरमैन मौजूद ना हो तो उसके बाद वाइस चेयरमैन जो है वो सेनेट को प्रिजाइड कर सकता है। और हमने देखा कि नेशनल असेंबली का जो टर्म पीरियड था इट वॉज 5 ईयर्स, लेकिन अगर हम सेनेट की बात करें तो उसका टर्म पीरियड कितना है, 6 ईयर्स है। कितना टर्म पीरियड उसका, 6 ईयर्स, लेकिन 6 सालों के बाद भी, या फिर अगर हम बात करें कि 5 साल गुजर जाते थे तो नेशनल असेंबली क्या होती थी, खत्म हो जाती थी, दोबारा इलेक्शन होते थे, फिर दोबारा नए मेंबर्स आएंगे। लेकिन सेनेट में इस तरह नहीं है, सेनेट में हर तीन साल बाद हाफ मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। मतलब अगर हमारे पास 100 मेंबर्स हैं सेनेट में, तो उसमें से हर 3 साल बाद 50 मेंबर्स क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और 50 उनकी जगह पर क्या आ जाते हैं, नए मेंबर्स आते हैं। मतलब सेनेट पूरे दौरानी के दौरान, हमेशा सेनेट कभी भी पूरा डिसॉल्व नहीं होता है, उसमें मेंबर्स मौजूद होते हैं। हर 3 साल के बाद हाफ मेंबर्स क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और दूसरे नए आ जाएंगे, ठीक है। और नेशनल असेंबली में क्या होता था, उसमें यह था कि हर 5 साल के बाद सारे मेंबर्स जो थे वो क्या थे, उसका टर्म खत्म हो रहा था और दोबारा इलेक्शन हो रहे थे और वो नए मेंबर्स आ रहे थे। लेकिन सेनेट में ऐसा नहीं होता कि एज अ होल कभी भी जो है वो सेनेट
इसका टर्म पीरियड एंड नहीं होता है, लेकिन हर 3 साल के बाद हाफ ऑफ द मेंबर्स क्या होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और पावर्स की अगर हम बात करें, तो सेनेट के भी उतने ही पावर्स हैं जो नेशनल असेंबली के पावर्स हैं। बोथ हाउसेस हैव इक्वल पावर्स, लेकिन कोई भी कानून जब तक सेनेट में से पास नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता। नेशनल असेंबली से भी पास होना लाजमी है, लेकिन अगर सेनेट से पास नहीं होगा तब भी वो कानून नहीं बनेगा। तो दोनों के पावर्स क्या है, इक्वल है, एक्सेप्ट द मॉनेटरी पावर्स। एक्सेप्ट द मॉनेटरी पावर्स यानी जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, उनमें जो है वो ज्यादा पावर्स किसके पास है, नेशनल असेंबली के पास है। लेकिन बाकी जितने भी लॉज बनते हैं मुल्क में, उनमें जो इक्वल पावर्स हैं वो सेनेट के भी उतने ही पावर्स हैं जितने नेशनल असेंबली के पावर्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेनेट एंड नेशनल असेंबली। आई होप दैट दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकूं, और मैंने ये आपके बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है, ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं। जिस तरह बुक में चीजें दी गई हैं मैंने उनको उसी तरह जो है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आप बुक में से रीड करेंगे और मेरे वीडियो को देखेंगे, सो आई होप एंड आई एम होपफुल दैट दिस इज गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर यू। सो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, अल्लाह हाफिज़।